की हमारी ट्रेन नहीं है, सात घंटे तक आप जैसे आप जानते हो कि ये जो बजट सेशन का दूसरा भाग दूसरा चरण जो शुरू हुआ था 5 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, तो उसमें जो आपको प्रतिपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं, शुरू शुरू में कांग्रेस थी, उसके बाद में दूसरे भी उनके साथ मिल गए, उन्होंने बिना किसी वजह से उस संसद को नहीं चलने दिया। और वहाँ पर हमारे मंत्री जी हैं, जो अनंत कुमार जी है, पार्लियामेंट्री संसदीय मंत्री है, प्रधानमंत्री, सब ने, गृह मंत्री सब ने कहा हम कोई भी मुद्दा लाओ हम डिस्कस करने को तैयार हैं। आपने सुना होगा क्या, पर उन्होंने मन ही बना लिया कि इसको नहीं चलने देना है। उस बीच में वो TDP वाले उनका और उनकी लोकल प्रॉब्लम है उनकी है, हाँ वो है। तो ऐसे करके तो फिर हमने सोचा, मोदी जी ने तय किया कि भी हमें, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कांग्रेस ने दूसरों ने भड़काया बिना मतलब कि हमको मतलब बदनाम करने की कोशिश की, तो ये लेकर के उन्होंने कहा एक सांकेतिक आज हम एक पूरे हिंदुस्तान में हर जिला मुख्यालय पे एक रखेंगे, जिसमें हम उपवास तौर पर एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो जिस तरह से ये प्रजातंत्र को नुकसान पहुँचाया, जिस तरह से ये कोई वहाँ करीब 15-20 बिल थे, बहुत ज़रूरी बिल थे, उनको भी उनको कुछ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से देशवासियों को हम कहना चाहते हैं, मैं खास करके मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में जैसे बताना चाहता हूँ कि इस मौके पे जिन्होंने जो प्रतिपक्ष जितनी भी पार्टियाँ थी उन्होंने जो संसद नहीं चलने दी वो बहुत गलत था, इसकी वजह से हम आज उसको आक्रोश होकर के हम यहाँ हमारे अभी भाजपा के हम मुखिया आए और बैठ करके उसको हम एक मैसेज देना समाचार देना चाहते हैं। हमें 96 से हूँ भाई, 23 साल से सांसद MLA हूँ, परंतु जिस तरह से अब के जो पहले तो एक पार्टी करती थी, बाद में सारे पार्टियाँ मिल गई, तो लगता है मुझे मोदी जी से घबराए हुए हैं। मोदी जी ने अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम योजनाएं लाए हैं और अच्छा मैसेज दिया है, पूरा डेडिकेट पूरे देश के लिए विदेश में, अब ये इस तरह से कर रहे हैं, इसी देश को नुकसान है मेरे साहब।